की दावत पर पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं, वो तशरीफ लाते हैं और अपने ईमान अफरोज खिताब से हम सबको महजूज फरमाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, हुजूर क़िबला आलम आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम जमीयत तबलीगुल इस्लाम हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशादी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाकिज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही वसनदि औलियाइही वअहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअअदाइही। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। अबान मौलिदुहु अन तीब उनसुरिही या तीब मुब्तदाइन मिनहु व मुख्ततमी व बात ऐवानु किसरा व हुवा मुनसदिउन कशमल अस्हाबि किसरा गैरु मुल्तसिमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीह गैरु मुनक़सिमी सुम्मर रिदा अन नबी बकरिम अन उमरा व अन अलीम व अन उस्मान ज़िल करमी वल आल वस्सहब सुम्मत ताबिईन फ़हुम अहलुत तक़्वा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। रब सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू अम्मन वालुहू व आज़म शानुहू की हमदो सना। हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म क़ायदुल मुरसलीन सैयदुन नबीयीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व असहाबिहि व बारका वसल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में हदिया सलातु सलाम पेश करने के बाद, मोहतरम हाजरीन, अहल इस्लाम, अहल सुन्नत व जमात, आशकान मुस्तफ़ा, आज जुमातुल मुबारक में आप सब नमाजी हजरात से मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। गुज़श्ता साल भी जुमातुल मुबारक के इज्तिमात में हाजिरी रही। हुजूर क़िबला आलम आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम पीर तरीक़त शेख तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला पीर सैयद मारूफ हुसैन शाह साहब आरिफ नौशाही कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, आपकी तवज्जुहात से इमसाल भी बरतानिया में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महाफिल में हाज़िरी का शर्फ हासिल हो रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत पीर साहब क़िबला
दामत बरकातुहुल कुदसिया की मसाई दीनिया को और उनके दीनी प्रोग्रामों को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की के साथ और तकमील की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ुल क़द्र फाजिल नौजवान अल्लामा मोहम्मद असलम साहब कादरी नौशाही मुद्दज़िल्लहु यहाँ जुमा शरीफ के खुतबात में तकरीर फरमाते हैं। मेरे लिए यह भी सआदत है कि वो काबिल फ़ख्र आलम दीन हैं जो कुछ अरसा मेरे साथ तालीम व तालुम के सिलसिला में वाबस्ता रहे, तो यह काबिल फ़ख्र बात है मेरे लिए कि वो इस अज़ीम शान मरकज़ में खिताबत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला उनके इल्म अमल में फ़ैज़ व बरकात में तरक्की अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे आका व मौला और अल्लाह के आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी इताअत, आपकी इत्तिबा और आपकी मोहब्बत तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ फरमा दी है। कुरान मुकद्दस में कई मकामात पर उम्मत को ये हुक्म दिया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और इसी तरह कई मकामात पर ये अहकाम मौजूद हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मोमिनो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो, अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करोगे, उनके पीछे पीछे चलोगे, कदम ब कदम चलोगे, तो युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह ताला खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। फयाग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। इस आयत करीमा में सराहतन नबी करीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का हुक्म हुआ। पहली आयत करीमा में इताअत का हुक्म हुआ, इसमें इत्तिबा का हुक्म हुआ है, और तीसरी आयत करीमा में अर्ज करता हूँ जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का हुक्म हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره سبحان الله। طويل آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مومنوں اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنے قبیلے سے زیادہ، माल तिजारत मकानात की मोहब्बत से ज्यादा तुम मेरे रसूल से मोहब्बत करो। बिल्कुल सराहतन कुरान की तीनों आयतों में इताअत का, इत्तिबा का और नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का हुक्म फरमाया गया। अब आपके सामने इन तीनों आयात की रोशनी में एक बात अर्ज करता हूं, वो ये है कि इताअत, इत्तिबा और मोहब्बत तीनों के लिए ये लाजिम है कि जो ज़ाते करीम जिसकी इताअत, इत्तिबा और मोहब्बत का हुक्म दिया गया है उसके अहवाल को पहचानना ज़रूरी है। यानी जिस शख्सियत की, जिस हस्ती की इताअत का हमें हुक्म दिया गया, अगर उनके अहवाल के बारे में उम्मत मुस्लिमा कुछ नहीं जानती तो इताअत किस तरह करेगी। अगर उनके बारे में, उनके अहवाल के बारे में, उनकी ज़ात और सिफात के बारे में और उनकी सीरत तय्यबा के बारे में उम्मत मुस्लिमा कुछ न जाने तो उनकी इत्तिबा किस तरह करेगी। और अगर उनके हवाले मुबारका की मार्फत उम्मत को हासिल नहीं होगी तो फिर उस ज़ात करीम से मोहब्बत किस तरह करेगी। इन तीनों उमूर के लिए एक उम्मती पर, अल्लाह के बंदे पर, मोमिन पर यह लाजिम है
कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की सूरत तय्यबा, सीरत तय्यबा, आपकी ज़ात अक़दस, आपके हवाले मुबारक एक एक बात से वो वाकिफ़ हो, ताकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक एक बात से वाकिफ़ होने के बाद आपकी इताअत भी कर सके, आपसे इत्तिबा भी कर सके और आपसे कमा हक़ुहू मोहब्बत का इजहार भी कर सके। लिहाजा नबी करीम अलैहिस्सलाम के हवाले मुबारक से महाफिल मुबारक का इनेकाद, आपकी सीरत तय्यबा का बयान, आपकी सूरत तय्यबा का बयान, ये उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज बन जाता है। क्यों? कि तीनों फ़र्ज जब पूरे ही नहीं हो सकते अहवाल मालूम किए बग़ैर, तो जिस पर मौकूफ़ है उन तीनों फ़राइज़ का पूरा होना तो मौकूफ़न अलैह खुद फ़र्ज होता है कि इताअत बग़ैर अहवाल के नहीं हो सकती, अहवाल की मार्फत के बगैर नहीं हो सकती, इत्तिबा भी मार्फत के बगैर नहीं हो सकती, मोहब्बत भी मार्फत के बगैर नहीं हो सकती। तो मार्फत बगैर अहवाल के जानने के, अमार्फत अहवाल के जानने को ही तो कहते हैं, वो ना हो तो किस तरह ये तीनों इलाके पूरे होंगे, तीनों निस्बतें पूरी होगी। लिहाजा अहले सुन्नत व जमात इताअत के लिए, इत्तिबा के लिए और मोहब्बत के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहवाले शरीफा की महाफिल भी मुनक्किद करते हैं और इसके लिए एहतिमाम करते हैं, और ये एहतिमाम फर्ज़ ऐन ठहरा। क्यों? कि जो फराइज अल्लाह ने फरमाए हैं उस वक़्त तक पूरे हो ही नहीं सकते जब तक नबी अलैहिस्सलाम के अहवाल की मार्फत उम्मत ना कर ले। गिरामी कदर हजरात, इन्हीं अहवाल में से, चूंकि वक़्त बहुत कम है, इशारतन सिर्फ एक बात अर्ज करता हूँ कि अल्लाह के जितने नबी आए हैं दुनिया में, अम्बिया किराम, रसूल इज़ाम, अल्लाह जल्ला शानहू ने उनको अपनी ज़ात की और अपने वजूद की दलील बनाकर दुनिया में मबूस फरमाए। अम्बिया किराम दुनिया में अल्लाह ताला के वजूद का ऐलान करते हैं, अल्लाह की तौहीद का ऐलान करते हैं, और जो शख्स और जो हस्ती अल्लाह ताला की तरफ से मामूर हो इस बात पर, हम लोग जो कुछ आप हजरात के सामने बयान करते हैं तो इस पर ख़ास तौर पर मामूर नहीं है, हम लोग अल्लाह की तौफीक से उन अहकाम से वाकिफ़ हैं या कुरान से हदीस से वाकिफ़ हैं, वो आप हज़रात के सामने बयान करते हैं, लेकिन अम्बिया किराम का बयान करना उम्मत से मुख्तलिफ़ है। क्यों? कि अम्बिया किराम को अल्लाह ताला अमर फरमाता है, वो खुदा की वही से खुदा के वजूद का ऐलान करते हैं, लिहाजा उनको सिर्फ अल्लाह ताला इस बयान पर ही मामूर नहीं करता कि आप बयान कर दें जैसे कि उलमा बयान करते हैं, इसी तरह अम्बिया किराम भी बयान करें ना, अम्बिया किराम को उनके बयान पर अगर कोई सदाकत तलब करता है तो अल्लाह ताला अपनी कुव्वतों का इजहार उनके हाथों पर फरमा देता है। ये फर्क होता है कि अम्बिया किराम मोजज़ा की ताकत के साथ अल्लाह ताला उनको मुतसिफ और मुजयन फरमा कर दुनिया में मबूस फरमाता है, और मोजज़ा की ताकत क्या है, मोजज़ा किस चीज को कहते हैं, मोजज़ा खिलाफ कानून और खिलाफ आदत तसर्रुफ का नाम है कि सूरज मशरक से तुलू होता है और मगरब में गुरूब होता है, लेकिन अल्लाह ताला में ये ताकत है, अल्लाह में ये कुव्वत है जाती कि वो चाहे तो मशरक से सूरज को तुलू न करे, मगरब से तुलू करे, और चाहे तो तुलू होना रोक दे या सूरज की गर्दश को रोक दे, ये सब कुव्वतें अल्लाह में हैं। लेकिन अल्लाह ताला जल्ला शानहू का नबी जब दुनिया में ऐलान तौहीद फरमाता है तो अल्लाह तबारक व ताला जमीन व आसमान के तमाम कवानीन पर अपने नबी को मौजे की ताकत अता फरमाता है, जिस तरह खुदा चाहे तो सूरज के सफर को रोक दे, इसी तरह खुदा का नबी चाहे तो सूरज के सफर को रोक सकता है, चांद को दो टुकड़े कर सकता है, पत्थरों को ज़बानें अता फरमा सकता है, और शकील पत्थरों को और पानी पर तैरा सकता है, और जिधर चाहे उंगली के इशारे से हवाओं को उस तरफ चला सकता है। ये सब कुव्वतें अल्लाह ताला अपने नबियों को अता फरमा अल्लाह तबारक व ताला अपने तमाम अंबिया को मोइजात की ताकत अता फरमाता है। कोई नबी भी ऐसा नहीं जो अल्लाह ताला की खसूसी ताकतों में से हिस्सा लेकर दुनिया में ना आया हो। क्यों? नबी की नबूवत पर मोइजा दलील होता है, जिसके पास मोइजा नहीं होता कौम उसको अगर चैलेंज करे तो किस चीज़ से वो जवाब देता है कि आम इंसानों से बढ़कर मेरे पास ताकत है, मैं खुदा से मामूर हूँ। लोग पूछ सकते हैं, कोई भी कह सकता है मैं मामूर हूँ, जैसे मिर्ज़ा कादियानी ने भी दावा कर दिया मैं भी नबी हूँ। अब कोई भी आदमी कह दे मैं नबी हूँ, तो नबी और गैर नबी में क्या फ़र्क होगा? कि नबी और गैर नबी में ये फ़र्क है
कि नबी के पास वो मोजज़ात होते हैं कि न सिर्फ जमीन की हर चीज उसके जेरे हुक्म होती है बल्कि आसमानों पर भी अल्लाह के नबी का इख्तियार चलता है और वो सितारों की गर्दश को और आसमान पर सूरज को चांद को अफलाक की तमाम हरकत को जिस तरह चाहता है उस तरह रोक सकता है। और जमीन पर उसका इख्तियार ये है, वो चाहे तो उंगली के इशारे से पहाड़ों का सीना शक कर सकता है और वो चाहे तो हवाओं में सुकून पैदा कर सकता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी कुदरत का इजहार अपने नबियों में फरमाकर उन्हें अपने वजूद की दलील बनाकर दुनिया में मबऊस फरमा देता है। अंबिया इकराम की कुदरतों को शिर्क समझना, उनकी ताकतों को शिर्क समझ के इनकार करना ये दीन से नावाकफी है, ये कुरान और सुन्नत से नावाकिफ होने की दलील है। अल्लाह ताला फरमाता है वला कद आतैना मूसा तिसा आयतिन बय्यिनात, सुभान अल्लाह, हमने मूसा को जब भेजा तो यूं ही नहीं भेज दिया, हमने 9 मौजज़े देकर भेजे मूसा अलैहिस्सलाम। कितने मौजज़े जनाब? 9। मूसा तिसा आयतिन बय्यिनात, खुले खुले मौजज़ात, आयतिन बय्यिनात, छुपी हुई निशानियां नहीं, खुली खुली 9 निशानियां हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई और उन्हें वो निशानियां अता फरमा कर दुनिया में मबूस फरमाया। उनमें उनकी मशहूर जो मौजज़ा है वो उनके आसा का मौजज़ा है, अल्लाह ताला ने उनको ऐसी लाठी अता फरमाई, मौजज़ा अता फरमाया कि हजारों मौजज़ों की माँ वो एक आसा बन गया। अब अंबिया इकराम के इख्तियारात और अंबिया इकराम की ज़वात के अहवाल के बारे में ही मैं बात अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने। बाज़ लोगों के जहन में ये ख्याल पैदा होता है कि अंबिया को मुस्तकिल तौर पर मौजज़ा एक ऐसा जारी ताकत नहीं होती जो उनके पास रहती है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उनको कोई ताकत मौका पर अता फरमाता है कि ये चीज़ ज़ाहिर कर लो, फिर उसको वापस ले लेता है। बाज़ लोग जो मुसलमान हैं, मुसलमान कहलाते हैं, वो इस मर्ज में मुबतला है। मैं कहते हैं मौजज़ा कोई नबी की ऐसी इख्तियारी चीज़ नहीं है, वो वक्ती तौर पर उनको मिल जाता है, फिर जब वो दिखा लेते हैं अल्लाह ताला वापस ले लेता है। हम इस नुक्ते नज़र के खिलाफ, और हम खिलाफ नहीं है, कुरान खिलाफ है। अल्लाह ताला कुरान कहता है कि नबी को वक्ती तौर पर अल्लाह से राबता नहीं करना पड़ता। अगर कोई काफिर खुदा का दुश्मन अल्लाह की तौहीद का मुनकर उसके मुकाबले में नबी के मुकाबले में आकर कह दे ये बात दिखा दो, तो उस वक्त नबी इस बात का मोहताज नहीं रखा अल्लाह ने कि फौरन दुआ करे कि अब वो मुतालबा करते हैं मुझे चीज़ अता फरमा, फरमाया नहीं, मैं नबी के अंदर उससे पहले के काफिर उससे कोई मुतालबा करें मैं वो ताकत नबी को अता फरमा देता हूँ। अब देखो फिरौन ने जादूगरों को इकट्ठा कर लिया मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबला के लिए, तो कुरान में कहीं नहीं आता कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया अब जादूगर आ गए मैं क्या करूं, नहीं, जादूगरों ने आते ही कहा मूसा हमारा और आपका मुकाबला है, एक बात हम आपसे करते पहले कि आप पहल करेंगे या हम पहल करें, इतनी बात कही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, इतनी बात कह दी आप पहल करेंगे या हम पहल करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम जो कुछ दिखा सकते हो पहले दिखा लो, तो जादूगरों ने रस्सियां फेंकी, सांप बन गए बड़े बड़े अजदहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा फेंका जमीन पर और वो इतना बड़ा अजदहा बन गया। ये कुरान पाक दो मकामात पर 19वें पारे में भी और 9वें पारे में भी पूरे पूरे रुकू में इस वाक्य को बयान करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आसा जमीन पर आपने फेंका तो जादूगरों ने जितने भी सांप बनाए थे वो इतना बड़ा अजदहा बन गया कि सारे सांपों को खा गए, उसके पेट में आ गए, और मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ रखा तो फिर सोटा बन गया, आसा बन गया, आपके हाथ में आ गया। लेकिन लुत्फ की बात है, जादूगरों को उन साहिरों को फिरौन ने जिनको बुलाया था, बड़े बड़े मुल्क के माने हुए जादूगर थे, तभी तो बादशाह की नजर में आए ना, पता नहीं कितने मुकाबले करके उनको निकाला होगा, जो सबसे ऊपर आए उनको मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में लाए। लेकिन एक बात है, मुफस्सरीन किराम फरमाते हैं जो आते ही उन्होंने सवाल किया ना कि आप कुछ दिखाएंगे या हम दिखाएं, अल्लाह ताला को इस बात पर प्यार आ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया भी तुम तो दुश्मन थे, काफिर थे, जादूगरों, तुम मेरे नबी के मुकाबले में आए हो, लेकिन ये तुमने क्यों कहा कि आप कुछ दिखाएंगे या हम दिखाएं, इसका मतलब है कुछ अदब तुमने किया है। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये अदब उन्होंने नादानिस्ता किया, यानी जान इसको जानते नहीं थे कि हम ये
अमल करें, इनको मौका दें। ना दानिस्ता ये अदब हो गया, लेकिन अल्लाह ताला को इस पर भी प्यार आया कि ना जानते हुए भी आखिर मेरे नबी का अदब किया है। फरमाया मूसा अब ये लोग आए तो जादूगर बन के और काफिर होकर तेरे मुकाबले में आए हैं, लेकिन जब तुझे पहले मौका देने की इन्होंने बात की है तो हम इन्हें काफिर जाने नहीं देंगे, तेरे इस अदब की वजह से इन्हें भी ईमान की दौलत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अंबिया इकराम, जिंदाबाद हुजूर क़िबला आलम आलमी मुबल्लिग इस्लाम, जिंदाबाद नाज़रीन आले सुन्नत, जिंदाबाद। गिरामी कदर हजरात, जब उन सब जादूगरों जादू के करिश्मा को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा वो असा उन सबको खा गया, तो जो सबसे बड़ा जादूगर था उसने जादूगरों को मुखातिब होकर कहा कि भाई बताओ इस मुल्क में हमसे बड़ा भी कोई जादूगर है? उन्होंने कहा कोई नहीं, आप सबसे बड़े हैं। उन्होंने कहा मैं सबसे बड़ा जादूगर हूं तो मेरा सबसे बड़ा इलम यही था जो मैंने दिखा दिया, मेरी नजर में इस दुनिया में मेरे बड़ा जादूगर कोई नहीं। अब मूसा के पास क्या है जो हमारे सारे जादू को खा गया है? उसने जादूगरों से सवाल किया कि हमसे ज्यादा किसी के पास जादू है? उनका नहीं। तो उनका आखिर मूसा के पास क्या है कि हमारा सारा जादू उसका आसा निकल गया? उन्होंने कहा मूसा के इल्म पर अपने जादू से गौर करो कि मूसा के पास कौन सा जादू है। उस जादूगर ने मुराकबा किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म पर नजर की तो पहली ही नजर में पलट आया। उसने कहा मूसा के पास जो कुछ है वो जादू नहीं है, वो हक है। क्यों? हम में कसाफत है, गंदगी है, मूसा में लताफत है, उसके पास जादू नहीं है। पहली नजर में ही मेरा इल्म पलट आया है, उसके पास तो पाक शय है, ताहिर चीज है, उसका अंदर पाक है। फरमाया जब उसका अंदर पाक है तो हमारा जादू इस बात में हमारी रहनुमाई करता है कि मूसा भी हक है और मूसा का रब भी हक है। उनकी सहारत साजिदीन, उनकी सहारत साजिदीन। उसी वक्त तमाम जादूगरों ने सजदा किया और कहा आमन्ना बिरब हारून व मूसा, कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए, हम फिरौन के मजहब से तायब हुए, हम उसी ताकत और इल्म पर ईमान रखते हैं जिसने सारा झूठा इल्म हमारा निगल लिया। यकीनन उसका इल्म सच्चा है, जब उसका इल्म सच्चा है तो उसका इल्म देने वाला सच्चा है, जो दुनिया की तमाम झूठी ताकतें उसके सामने ठहर नहीं सकती। हम मूसा के रब पर ईमान लाते हैं, और उनको ईमान जब हासिल हो गया तो फिरौन जो है, फिरौन इस पर बड़ा गुस्से में आया। उसने कहा मैं तुम्हें बड़ी सख्त सजा दूंगा, मैं तुम सबको फांसी चढ़ा दूंगा, कुरान पाक में मैं बड़ी सजा दूंगा। तो उसके जवाब में जादूगरों ने क्या कहा, लन्नो से नकाला माजा ना मिनल बय्यिनात, एक तरफ फिरौन तेरी सख्तियां हैं और दूसरी तरफ दलील है, मूसा का इल्म है, तो अब तुम्हारी दुनिया की कोई सख्ती हमारी इस मार्फत की राह में रुकावट नहीं बन सकती जो हमें मूसा के इल्म से हासिल हो गई है। बाजाना मिनल बय्यिनात, मूसा के बय्यिनात को हमने देख लिया, उसके दलाइल को देख लिया, उसके रब की पहचान हासिल हो गई, और जिसे पहचान हासिल हो जाए वो दुनिया की बड़े से बड़ी सख्ती का मुकाबला कर सकता है, लेकिन दलील की सदाकत को वो झुटला नहीं सकता और उससे आंखें नहीं फेर सकता। हमें फांसी चढ़ा दो, हमें सूली चढ़ा दो, हमारी जाने खत्म कर दो, लेकिन ईमान की जो दौलत हमें मूसा ने अता फरमा दी हासिल हो गई वो कभी जायल नहीं हो सकती। गिरामी कदर हजरात, मैं इसलिए बात अर्ज कर रहा था कि देखिए जब जादूगरों के मुकाबला में आए मूसा अलैहिस्सलाम तो आपको जो दौलत वदियत हुई थी, ताकत अता हुई थी, उसका इजहार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इजहार कर दिया, इस मौका पर कहा कि इस वक्त मेरे पास ताकत नहीं है, तू मुझे ताकत अता फरमा। मेरा कहने का मकसद ये है, मौजज़ा नबी की नबूवत की सदाकत पर एक दलील वाज़ेह होता है, और वो उसके बारे में ये एतकाद रखना कि मौजज़ा भी अल्लाह ताला किसी वक्त मुअय्यन पर देता है फिर वो ताकत वापस ले लेता है, सरासर जहालत है और कुरानी उलूम से नावाकफियत है। अल्लाह ताला अपने नबियों को अपनी ताकत का मजहर बनाता है, अपनी कुव्वत का मजहर बनाता है और अपनी सिफात का मजहर बना के उनको दुनिया में भेजता है, और याद रखो कि उनसे वो ताकत उनकी कब्रों में भी
सलब नहीं करता, और वो ताकत अल्लाह ताला मैदान हशर में भी उनसे सलब नहीं करेगा, बल्कि इस ताकत का इजहार अल्लाह के नबी मैदान हशर में भी फरमाएंगे, और इसी ताकत से अल्लाह के बंदों की शफात भी करेंगे और अल्लाह के बंदों के लिए वसीला भी बनेंगे। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में जीते जागते हुए अपने महबूब बंदों और अपने नबियों की मार्फत अता फरमाए। व आखिर दावा यानि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। صلی علی سیدنا محمد اللهم صلی علی سیدنا محمد। तारक गिफ्ट सेंटर ब्रैडफोर्ड की एक वाहिद शॉप, जहां से आपको नाते कवालियां और उल्मा की तकारीर पर पुरानी से पुरानी और नई से नई ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, ऑडियो सीडी, डीवीडी हर वक्त मिल सकती है। लाइव नातों की और तकारीर की महफिलों की रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। इसके अलावा अतर, टोपियां, जुब्बे, जलबाब और इस्लामी इस्तेमाल की मतलका अशिया सस्ते दामों मिल सकती है। नाम याद रखे, तारक गिफ्ट सेंटर, 12 कॉलर रोड ब्रैडफोर्ड 8, टेलीफोन 01274775721, मोबाइल 07931587694। तारिक गिफ्ट सेंटर, योर वन स्टॉप इस्लामिक शॉप, 12 काला रोड ब्रैडफोर्ड, BD8 8AD, टेलीफोन 01274775721 एंड मोबाइल 07931587694 एंड आवर वेबसाइट www.tarikgiftcenter.com। Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin।